बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ आएंगे सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन। फिर एक बार बॉक्स ऑफिस गवाह बनेगा ऐश सलमान की मौजूदगी का। क्योंकि एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आने वाले हैं ऐश और सलमान एक साथ एक ही समय पर अपनी अपनी फिल्म्स के साथ। सलमान की फिल्म रेस 3 और उनकी एक्स ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म फन्ने खान का होगा बॉक्स ऑफिस क्लैश। सालों से एक दूसरे को अवॉइड कर रहे सलमान ऐश्वर्या का ईद 2018 पर होगा आमना सामना। हर साल ईद पर सलमान की फिल्म करती है जमकर कमाई। ऐसे में कोई भी फिल्म मेकर सलमान को टक्कर देने की हिम्मत नहीं कर पाता है, लेकिन 2018 की ईद पर सलमान की एक्स ऐश्वर्या सलमान के साथ बॉक्स ऑफिस वॉर के लिए तैयार हैं। दरअसल ऐश्वर्या की फिल्म फन्ने खान पहले अप्रैल 2018 में होने वाली थी रिलीज, पर अब उसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन करके ईद 2018 यानी जून 15 कर दिया गया है। फिल्म फन्ने खान के मेकर्स का कहना है कि क्योंकि अनिल कपूर इस फिल्म में एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ऐसे में ईद से बेहतर दिन इस फिल्म को रिलीज करने का हो ही नहीं सकता। वैसे सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि फन्ने खान की टीम बखूबी जानती है कि इस फिल्म को ईद पर रिलीज करने से उन्हें सलमान की ईद रिलीज रेस 3 का सामना करना होगा, लेकिन वो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट भी हैं। वेल, फन्ने खान के मेकर्स को ये भी पता है कि ऐश सलमान का बॉक्स ऑफिस क्लैश होता है तो इससे फिल्म को लेकर मैक्सिमम बज क्रिएट होगा, जो कि फिल्म के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.